हेलो थोड़ा किसान में आपका स्वागत है और आज आपके लिए गर्मा गर्म वीडियो लेकर आ गया हूँ। वैसे तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक अच्छा डिवाइस नहीं होता, काफी लो एंड डिवाइस होता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और वैसे भी जिन लोगों के पास मिड रेंज फोन है वो अपनी फोन की परफॉर्मेंस और भी एनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, आपको काफी मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। ज्यादा टाइम वेस्ट करते आज की वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वो हमारी स्वैप नोरो। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है वो पहले रूटेड डिवाइस के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब ये जो एप्लीकेशन है वो नॉन रूटेड डिवाइस के लिए भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का क्या काम है, जो हमारी रैम होती है उसे ये और एक्सपेंड कर देती है, मतलब हमारी जो इंटरनल स्टोरेज है उसे रैम में कन्वर्ट कर देती है। वैसे ही ये जो इंटरनल स्टोरेज हमारी रैम में कन्वर्ट होती है, टेम्परेरी रैम होती है, कोई परमानेंट रैम नहीं होती है, सिर्फ टेम्परेरी रैम होती है। जैसे कि कोई ऐप आप अपनी रैम में चला रहे हैं तो एक्स्ट्रा ऐप जो है आपकी रैम में घिरे हुए हैं वो इंटरनल स्टोरेज में ट्रांसफर हो जाएंगे। और जैसे ही आप अपना टास्क पूरा कर लेंगे, गेम पूरा कर लेंगे, आप अपने गेम को क्लोज करेंगे तो वो जो इंटरनल स्टोरेज में जो आपके टास्क आ गए थे वो दोबारा अपनी रैम में पहुंच जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन का बस इतना ही काम है आपके टास्क को मैनेज करना। वैसे तो अगर आप कोई नया फोन लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करिए आप ज्यादा रैम वाला लें, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है रैम बढ़ाने का। हमारी रैम की जो रीड और राइट की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है इंटरनल स्टोरेज से। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इस एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और लिखना है स्वैप नोरो, तो ये आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी। इस एप्लीकेशन को मैंने पहले से अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। हम जल्दी से इसे अब ओपन करते हैं। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इंटरफेस इस तरीके का दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर कुछ साइज लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो दोस्तों हमारी रैम की जो कोडिंग होती है वो होती है 1024 पर, मतलब 1024 में हमारी 1 GB बनती है। अगर दोस्तों आपको 2 GB रैम बढ़ानी है तो 1024 को 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 GB बढ़ानी है तो 3 से कर दिए, 4 GB बढ़ानी है तो 4 से कर दिए। मैं वैसे आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ आप 2 GB तक बढ़ाएं, उससे ज्यादा आप स्टोरेज ना बढ़ाएं। वैसे दोस्तों मुझे जो अपने फोन की रैम बढ़ानी है वो सिर्फ 1 GB बढ़ानी है। तो दोस्तों मेरे फोन में पहले से 8 GB रैम है, तो 1 GB बढ़ा लूंगा तो मेरे फोन की जो मेमोरी है मतलब रैम है वो 9 GB हो जाएगी। अब दोस्तों हम लिख देते हैं 1024 और स्वैप पे क्लिक कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी इंटरनल स्टोरेज को रैम में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको अपने फोन की अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इसे दिन में एक बार डिलीट करके दोबारा रिक्रिएट करिएगा, तो आपकी फोन की परफॉर्मेंस जो है वो और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। अगली एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वो हमारे सैमसंग गेम ड्राइवर। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है वो मुश्किल से मिड रेंज फोन में चल रही है, ज्यादातर ये एप्लीकेशन फ्लैगशिप फोन के लिए बनाई गई है, तो आप अपने लोएस्ट फोन को तो भूल ही जाइए उसमें ये चल पाए। और ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ सैमसंग फोन के लिए ही है, उसके अलावा ये कोई और से फोन में इंस्टॉल नहीं हो सकती, जैसे कि वीवो हो गया, शाओमी हो गया, ओप्पो हो गया, उनमें नहीं होगी, खास ये सैमसंग के लिए ही है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर पे आना है और सर्च करना है सैमसंग गेम ड्राइवर। तो आपको दो एप्लीकेशन है ऊपर की तरफ दिखाई देंगी, एक में लिखा हुआ सैमसंग गेम ड्राइवर माली और एक में लिखा हुआ एड्रीनो। अगर आपका जो GPU है वो माली का है तो आप माली वाला इंस्टॉल करिएगा, अगर आपका जो GPU है वो एड्रीनो का है तो आप एड्रीनो वाला APK इंस्टॉल करिएगा। और आपके में इंस्टॉल हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और आप अलग से इसे इंस्टॉल करने की कोशिश करें, कंप्यूटर से 4-stop इंस्टॉलेशन करते हैं तो हो सकता है आपके में कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि आप ज़बरदस्ती इंस्टॉल करेंगे तो कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। और आपके में ये प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये एप्लीकेशन क्या करती है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है वो आपके बैकग्राउंड में रन करती है और बैकग्राउंड से ये परफॉर्मेंस खींच के आपके गेम में लगा देती है। मतलब मैंने इस एप्लीकेशन को बहुत पहले इंस्टॉल करा था और मैं अपने फ़ोन में VGA खेलता हूँ, तो पहले मेरा जो गेम था वो थोड़ा थोड़ा लैग होता था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता था। मैं अपने स्मूथ एक्सट्रीम पे खेलता हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा ख़राब एक्सपीरियंस होता था, पूरे 60 FPS भी नहीं आ पाते मेरे फ़ोन में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके पास अगर सैमसंग का फ़ोन है, अगर ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गई तो आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी।
वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोगों के पास सैमसंग का फोन है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपनी थर्ड एप्लीकेशन के बारे में। तो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है अवस क्लीन अप। तो दोस्तों ये जो क्लीनर है वो एक छोटा मोटा क्लीनर नहीं है, इससे आपकी फोन की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आपके फोन में जो कैश डेटा बनता रहता है, बैकग्राउंड में जो ऐप चलते रहते हैं, ये उसे बार बार क्लीन करता रहता है, जिससे आपकी फोन की परफॉर्मेंस 20% और ज्यादा एनहांस हो जाती है। तो दोस्तों हम जल्दी से जाते हैं अपने प्ले स्टोर पे और सर्च करते हैं अवस क्लीन अप। तो ये आपको सबसे पहले ही देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम इसे करते हैं ओपन। तो आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले हम अपने फोन की जंक फाइल क्लीन कर देते हैं। तो दोस्तों आप जैसे ही देख रहे होंगे मेरे फोन में जंक फाइल नहीं है, तो मैंने जो भी कचरा था वो अपने फोन का निकाल दिया था पहले से, लेकिन कुछ केबी की फाइलें जो बची हुई हैं उसे हम क्लीन कर लेते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको उसमें रैम बूस्टर भी देखने के लिए मिल जाता है। आप अपने रैम बूस्टर में जाएंगे तो आपको काफी सारे ऐप शो हो जाएंगे। जैसे ही आप हरे बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके जितने भी बैकग्राउंड के ऐप हैं वो सारे किल हो जाएंगे, मतलब सब बंद हो जाएंगे। आपके बैकग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं चलेगा और आपको नोटिफिकेशन भी आना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये काफी अच्छा तरीका है अपने गेम की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। इससे आपके कोई बैकग्राउंड में ऐप होगा नहीं तो नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा और आपकी फोन की परफॉर्मेंस अपने आप ही बढ़ जाएगी और आपकी गेम के जो पिंग है, मतलब जो ऑनलाइन गेम होते हैं, वो काफी अच्छे चलेंगे। आपके बैकग्राउंड में तो ऐप होंगे नहीं जो नेट एसेस करें, तो सारा नेट जो है वो आपके गेम में ही यूज होगा और अच्छे से आपका गेम चलेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपने फोर ट्रिक के बारे में। उससे पहले दोस्तों आप देख ही रहे होंगे मुझे कितने सारे पसीने आ गए, तो ये पूरी शर्ट जो मेरी पसीने में हो रही है, और मैं जब शूट करता हूँ तो अपना पंखा भी बंद कर देता हूँ, और ऊपर से मेरी पीसी की हीटिंग पीछे से निकलती रहती है, तो मैं भट्टी की तरह जलता रहता हूँ। तो इस सब के बाद भी दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो काफी बुरा लगता है, और आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तो हम बात कर रहे थे अपने फोर्थ ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों ये ट्रिक हो सकता है आपको मालूम हो और हो सकता है इस ट्रिक आपको मालूम भी नहीं हो, लेकिन मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, जितने भी बहुत मेरे बड़े बड़े भाई हैं, उन्हें ज्यादातर ये ट्रिक मालूम नहीं थी। जैसे हमारी उम्र के हो गए तो उन बच्चों को ज्यादा मालूम होती है, और जो लोग टेक्नोलॉजी में ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है अपनी फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाने के बाद अबाउट में आना है। अबाउट के बाद आपको ये देखना है आपका कर्नल वर्जन कहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आपका कर्नल वर्जन लिखा हो वहाँ पर 3 से 4 बार टैप करना है, तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, या आप उसे डेवलपर मोड भी कह सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने डेवलपर मोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। सबसे पहले आपको दिखेगा विंडो एनिमेशन स्केल का, तो आपको विंडो एनिमेशन स्केल को 0.5 पर सेट कर देना है तीनों को। और आप थोड़ी नीचे आएंगे तो आपको 4x ms दिखेगा, तो आपको उसे ऑन कर देना है। इससे दोस्तों आपकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो 30% तक और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी, मतलब आपका जो GPU है वो और भी ज़्यादा यूज होने लगेगा आपकी गेमिंग में, या कोई भी ऐप को आप यूज करेंगे तो। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है जो सिर्फ सैमसंग यूजर्स के लिए है, हो सकता है ये Xiaomi, Vivo, Oppo वालों के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं है, सिर्फ सैमसंग में देखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ग्राफिक ड्राइवर का, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशन दिखेंगी, जैसे कि मैं पबजी खेलता हूँ या BGMI खेलता हूँ, तो मैं किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करके उसे ग्राफिक ड्राइवर पे सेट कर दूंगा, तो मेरा जो GPU है उसके ऊपर वो एप्लीकेशन चलेगी। तो दोस्तों आपकी गेम की जो परफॉर्मेंस है वो 5 से 10% और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दोस्तों आपको कोई भी गेम लॉन्चर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कर लेते हैं तो आपका इंटरनेट स्पीड गिरेगी और कुछ नहीं होगा। अगर दोस्तों आप इन ऑप्शन को अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई कर देते हैं तो आपके जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और काफ़ी अच्छी गेमिंग आप कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।